हेलो बच्चों, बड़ी कैसे हम सब लोग? सब बढ़िया बच्चों। पिछले दो लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना, बेसिक नॉलेज हमने कवर किया था। जिन बच्चों ने वो दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देख लेना, है ना। आज के लेक्चर में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ सेल्स और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में हम जानेंगे। स्पेसिफिकली जो ग्राफ वाला एरिया है ना, जो ग्राफ वाला एरिया है बेटा, जहां पे अपन सेल से रिलेटेड ई वर्सेस आर और वी वर्सेस आई ये सारे ग्राफ पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में, सीबीएसई में, दोनों में ही आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल भी काफी सारे आते हैं, और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की एनालिसिस भी आ जाती है। और उसके जो पहले का पोर्शन है जहां पे हम टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो आपके खास तौर पे सीबीएसई के प्रैक्टिकल से रिलेटेड वहां पे जो है इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और वो आपके प्रैक्टिकल में बहुत काम आता है, वाइवा वगैरह में बहुत काम आता है, एग्जाम में थोड़ा कम लेकिन वाइवा में ज्यादा काम आता है ना। तो गौर से देखते रहिएगा, लास्ट तक नोट्स जरूर बना लेना, है ना। फिर से बता दूं कि यार अगर अभी तक भी सारे लेक्चर देखकर आपने नोट्स बनाए हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो होगा नहीं कि चलो कल एग्जाम है आज बैठ के सारे लेक्चर इकट्ठे देख लें, कोई नहीं करता, है ना। तो समझदार आप हुई। अब थोड़ा सा मैं आपको इजीली ऐप के बारे में बता दूं। एक बार अगर मैं बात करूं इजीली ऐप की, तो इजीली ऐप आपको इसलिए डाउनलोड करना है, यूट्यूब पे तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं लेकिन एड्स भी तो साथ में आते हैं ना, अनवांटेड एड्स। तो चाहो कि अगर अनवांटेड एड्स ना आए, डाउनलोडेबल मटेरियल्स ये सब आपको मिल जाए, तो अभी प्ले स्टोर ओपन करके वहां पे आपको इजीली वाला जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको क्या होगा कि बेसिक आप बेसिकली अपना यूजर, अगर आप नए यूजर हो तो यूजर अकाउंट क्रिएट करोगे, है ना। और ऑफ कोर्स ये नए यूजर के लिए इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी जाती है। तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे किसी भी ऐप में, यार जोमेटो भी करते हो तो आपको ये बेसिक चीजें आपको पता होती है कि आप अपना नंबर डालते हो, ओटीपी आता है ना, क्रिएट न्यू अकाउंट करते हो, वही चीजें यहाँ पे भी है। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पूछी जाती है आपसे, देख लो, कोई ऐसी खुफिया जानकारी नहीं है, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, है ना, कहाँ रहते हो, ये लोकेशन ऑन रखना ना, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑन रखना है आपको, है ना। नंबर वंबर डाल देते हो, वेरीफाई कर देते हो ओटीपी के साथ, ये लो ओटीपी के साथ वेरीफाई हो गया, यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर दोगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोर्सेज हैं, कॉम्पिटिटिव कोर्स क्लास 11 12th के लिए, जो आप अभी नीट का बैच जो टॉपर्स के लिए जुड़े हो यहाँ पे, है ना, वो कोर्स, CUET, ये सारे जो है यहाँ पे बेटा अवेलेबल हैं, ये कोर्सेज जो है यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो कॉमर्स के उदय शिखर और साइंस के प्रारंभ टॉपर्स, आपको चार बैचेस दिख रहे हैं, कॉमर्स वाले 11वीं के बच्चे उदय, कॉमर्स वाले 12वीं के बच्चे शिखर, साइंस वाले 11वीं के बच्चे प्रारंभ, साइंस वाले 12वीं के बच्चे टॉपर्स। साइंस को चेकलिस्ट करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको ये पेज मिलता है जहां पे आपको ये एनुअल फी दिखती है, पर जो दिखता है वो है नहीं, है ना। ये एनुअल फी जो है, ये कूपन कोड अप्लाई करो, पहले इसको कोर्स को ऐड टू कार्ट कर देना, कूपन कोड अप्लाई करना, उसके बाद आपकी जो एनुअल फी है वो जीरो हो जाएगी। आपको कुछ पे नहीं करना है, फ्री नॉन एड वीडियोस, है ना, ऐप पे एंजॉय कर सकते हो, है ना। इजीली है तो इजी है, यहाँ पे आप देख लो आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शंस मिल रहे हैं, जैसे कंटिन्यूअस डाउट सॉल्विंग, है ना, टेस्ट वगैरह, ये आपके ऐप के फीचर्स हैं और अपग्रेड होंगे, थोड़े फीडबैक पॉइंट्स आप भी दे सकते हो। तो बेसिकली ऐप अभी डाउनलोड कर लो, बैठे बैठे कर लो, है ना। अब आते हैं कहाँ पे, हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड करती है हमारे प्यारे सब्जेक्ट फिजिक्स पे। कंटिन्यू करूँ मैंने जो आपको पहले ही बता दिया कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल टाइप्स, इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स। अरे ये नीले पे नीला शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर से बता दूं, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है सीबीएसई प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वाइवा क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। साथ में और क्या पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ सेल्स अपन पढ़ेंगे, टाइप्स के साथ साथ में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, शुरुआत करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफन अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं
बेटा सेल आपने देखे होंगे वेरियस, ये मैंने घड़ी पहनी है इसमें भी एक सेल डला होगा है ना, तो आपने अलग अलग टाइप के सेल्स देखे हैं। मेजर क्लासिफिकेशन सेल्स का क्या होता है सोचो 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। मेजर क्लासिफिकेशन क्या होता है, दो तरीके के सेल्स बोले जाते हैं, एक होता है सेकेंडरी सेल और एक होता है प्राइमरी सेल। एक होता है प्राइमरी सेल है ना, दीवार पे जो घड़ी होती है उसमें कौन सा सेल डला होता है, प्राइमरी सेल डला होता है। तो क्यों हम इसको प्राइमरी कह रहे हैं और क्यों हम इसको सेकेंडरी कह रहे हैं, एक जो होता है वो रिचार्जेबल होता है, क्या होता है ये रिचार्जेबल है, और ये प्राइमरी क्या होता है ये नॉन रिचार्जेबल होता है ना। तो प्राइमरी सेल प्राइमरी इसीलिए है क्योंकि ये नॉन रिचार्जेबल, इसकी एक लाइफ टाइम में गिवन, हालांकि लाइफ टाइम तो इसकी भी होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब 100 साल तक रिचार्ज ही करते जा रहे हो, लेकिन ये लंबा चलता है, ये लंबा चलता है। आपकी कार बैटरीज है ना, लैपटॉप, ये वो जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आजकल ज्यादातर यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको रिचार्जेबल बैटरीज या सेकेंडरी सेल्स मिलती हैं। और वही मैंने जो आपको कहा कि घड़ी में जो आप सेल डाल रहे हो वो कौन सी है बेटा, जो आपके टॉय कार्स आते हैं उसमें कौन, हालांकि दोनों का अच्छा खासा बिजनेस है। कल को फ्यूचर में अगर आपको साइंस पढ़ लो उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं यार अब मुझे MBA करके कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो मैं आपको बता दूं ये जो सेल बनाने वाली चीजें है ना, यहां जो कंपनी है ना बहुत बहुत प्रॉफिट कमाती हैं। और अभी हाल ही में अगर आपको पता हो कि इंडिया में है ना, जम्मू कश्मीर रीजन में आपको पता होगा कि जो लिथियम का बहुत बड़ा सोर्स मिला है। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेल्स की, तो यहां पे तो नॉर्मल देखो जिंक कार्बन ऐसे इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली यूज होता है। सेकेंडरी सेल्स में थोड़े से हैवी मेटल्स यूज हो जाते हैं है ना, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी यूज होते हैं। और यूज करना ये पहले तो सबसे ज्यादा लेड बेस्ड बैटरीज होती थी है ना, सबसे ज्यादा लेड बेस्ड बैटरी आज भी कारों में जो बैटरीज होती है उसमें लेड यूज होता है। आजकल ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं ना, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह जो है यूज हो रही है। बेसिकली रिचार्जेबल है और ये नॉन रिचार्जेबल है। अब रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल का डिफरेंस क्या होता है, वो चीज जिसमें रिवर्सिबल केमिकल, ये सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है बेटा, इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आप कहते हो एक्चुअली, इलेक्ट्रिक तो भैया शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको पूरा क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स ये बोला जाता है ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोड्स ये जो यूज हो रहे हैं। इसके अलावा फ्यूल सेल्स भी होते हैं, गाड़ियों में फ्यूल सेल्स भी यूज होते हैं, वो हमारे डिस्कशन से थोड़ा सा बाहर का पोर्शन हो गया। खैर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स सेकेंडरी प्राइमरी दो टाइप की होती है, रिचार्जेबल होती है क्योंकि इसमें क्या होता है रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस कैन टेक प्लेस ठीक है, पर इसमें रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस। ये रिएक्शन कैसा है, इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है ठीक है। इसके अंदर कैसा रिएक्शन है बेटा, इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। आई बात समझ में, ओके। बाकी नॉर्मली इसमें कौन से इलेक्ट्रोड या कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं आप एक बार इस फिगर को अच्छे से देख लो है ना, तो आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड आमतौर पे एक क्या है, लेड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेड डाइऑक्साइड है ठीक है। सेल डिवाइडर्स बने होते हैं, ये बेसिकली एक बैटरी है, यहाँ पे सेल्स हैं है ना, सेल्स को कॉम्पैक्ट करके फिर एक बैटरी बनाई गई है। अब बात करते हैं नॉर्मल जो अपनी प्राइमरी सेल है ना, ये आप लैब में जब जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे आपको दो टाइप की सेल्स बताई जाती हैं, लेकलेंचे सेल और डेनियल सेल। ज्यादातर आप लेकलेंचे और डेनियल सेल यूज कर रहे होते हो प्राइमरी सेल के नाम पे, तो आप अगर इसको देखोगे तो ये बेसिकली एक लेकलेंचे सेल है, ये जो यहाँ बना हुआ है एग्जाम्पल फॉर प्राइमरी, यहाँ पे लेकलेंचे लिया गया है ठीक है। तो लेकलेंचे में यूजुअली होता है, और लेकलेंचे में आप ड्राई सेल भी यूज करते हो। लैब में क्या होता है कि आप वहां पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल बनाते हो, खुद ही सारी चीजें डाल के वो सेल क्रिएट कर रहे हो बना रहे हो है ना। अदरवाइज ये जो आपकी AA AAA जो बैटरीज हैं वो लेकलेंचे सेल के टाइप्स ही होते हैं, वो ड्राई सेल कहलाती है, ड्राई है ना भैया सूखी है अंदर से, तो ड्राई सेल कहलाती है। इसमें बेसिकली है क्या है ना, देखो कार्बन इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, कार्बन और जिंक जहां आते हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स जहां आते हैं उस सेल को अपन लेकलेंचे कह देते हैं। एक पोरस सेपरेटर होता है जिसमें MnO2 NH4Cl ZnCl2 इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसमें डले हुए हैं ओके। तो ये बेसिकली जो है आपका सेल हो गया, प्राइमरी सेल हो गया ओके।
अब मैंने आपको बताया कि आपके लैब में मेनली आपको लेक्लेंचर सेल और डेनियल सेल देखने को मिलेंगे। देखो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपको पता है कि एक एनोड है एक कैथोड है। बहुत सारे बच्चे बड़े होने तक भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, कौन है एनोड, कैसे पहचाने एनोड क्या है और कैथोड क्या है, है ना। अब रिएक्शन देखो, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, यहाँ एनोड लिखा है, ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, मतलब कि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसका ऑपोजिट प्रोसेस, यहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो रिडक्शन हो रहा है। अब डेनियल सेल और लेक्लेंचर सेल में कॉमन बात क्या हो गई, कॉमन बात यह हो गई कि दोनों का जो एनोड है वो जिंक रॉड है, दोनों में जिंक रॉड डाली जाती है। आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे, सर या मैम से बोलना सर बता दीजिए सेल बनाएंगे हम, है ना, तो आपको एक चमकती हुई जिंक रॉड मिलेगी, है ना, वो दोनों में एनोड का काम करती है। डिफरेंस आता है दोनों में इलेक्ट्रोलाइट पे, इलेक्ट्रोलाइट पे आता है और कैथोड पे आता है। यहां पे कैथोड क्या, ये जो MnO2 का जो पेस्ट है ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट होती है NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गई और ये MnO2 और ये NH4 आयन एक तरीके से ये कैथोड रिएक्शन कर रहे हैं, कैथोड का काम कर रहे हैं, ठीक है। MnO2 क्या होता है, अब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे ज्यादातर लेक्लेंचर सेल जब आप लैब में जाते हो तो कैसे, एक प्लास्टिक का जार होता है, ठीक है, क्या प्लास्टिक जार है, अगर यही इसका ड्राई सेल बना दिया जाए, यानी वो आपकी डबल ए ट्रिपल ए बैटरी बना दी जाए, तो वहां पे मेटल का एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दिया जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो प्लास्टिक का जार होता है, इसमें एक मोटा सा बीच में ये कार्बन जो रॉड है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह यूज की जाती है, क्या की जाती है, नेगेटिव टर्मिनल की तरह यहाँ पे यूज की जाती है। यहाँ पे ये जो है पोरस सा मटेरियल होता है MnO2। तो बेसिकली जो है आप इस तरीके से यहाँ पे लेक्लेंचर सेल बनाते हो। खैर, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं डेनियल सेल की, तो डेनियल सेल में, ठीक है, डेनियल सेल में क्या किया जाता है, कॉपर का कंटेनर होता है और कंटेनर में ही कनेक्शन पॉइंट होता है, कॉपर का कंटेनर होता है, कंटेनर में ही कनेक्शन पॉइंट होता है, और यहाँ पे ये जिंक रॉड होती है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये देख लो बेटा, ये कार्बन रॉड है पॉजिटिव और यहाँ पे जो जिंक रॉड साइड में डली होगी, ठीक है, जिंक रॉड, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो दोनों में आपके लिए जो एनोड है बेटा, जो एनोड है दोनों में क्या है, जिंक है, ठीक है। कैथोड बस बदल गया, इलेक्ट्रोलाइट बदल गई, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट होती है CuSO4, ठीक है, और इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिक्स किया जाता है स्मॉल अमाउंट में। ये आप मेजरली यूज करोगे लैब में। आपको वाइवा में सवाल आता है कि डेनियल में और लेक्लेंचर सेल में डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड रिएक्शन की डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन मैंने आपको कहा था कि पहला पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल के आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अब आपको पूछा जाता है कि भैया आपने तुरंत सेल बनाया, आपको वो प्लास्टिक का डब्बा दे दिया, जिंक रॉड दे दी, कार्बन रॉड दे दी, याद रखना कार्बन पे पॉजिटिव टर्मिनल और जिंक पे नेगेटिव, ठीक है, यस ऑपोजिट हो रहा है, कार्बन नॉन मेटल है वो पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, क्यों, कैथोड और एनोड के रिएक्शन की वजह से, ठीक है, और जिंक पे नेगेटिव है ना, मेटल है पर नेगेटिव। कंफ्यूज मत होना भैया, कनेक्शन अलग बात होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग बात होती है, मेटल अंदर जाके क्या कर रहा है वो अलग बात होती है। अब आपने एकदम नया अभी अभी सेल बनाया, ठीक है, जस्ट अभी आपने सेल बनाया, और फिर उसी सेल
को कुछ टाइम बाद आपने नोटिस करा वोल्ट मीटर के अक्रॉस या पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस लगा दिया, आप प्रैक्टिकल करोगे पोटेंशियोमीटर से, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का जब आप ईएमएफ नोट करते हो और वो सेल थोड़ा पुराना हो जाए तो उसका जब आप ईएमएफ नोट करते हो, आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा, सेम ईएमएफ नहीं आएगा। हालांकि रफली जो ईएमएफ आता है ठीक है वो 1.1 वोल्ट के आसपास, लेक्लेंचर और डेनियल सेल में आपको कंपैरिजन आएगा बेटा, रेशियो निकालो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स ठीक है। तो मैं आपको एक रफ एक ईएमएफ एस्टिमेशन बता रही हूँ कि 1.1 वोल्ट जो है इसके आसपास आपको ईएमएफ की वैल्यू मिलती है ना। अब तो पॉइंट ये है कि जब आपने एकदम नया ताजा सेल बनाया तो ईएमएफ अलग मिली, थोड़ा पुराना हो गया तो ईएमएफ अलग मिली, यानी जो वोल्टेज है अक्रॉस द टर्मिनल वो कम हो रहा है धीरे धीरे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसमें आता है कारण इंटरनल रेजिस्टेंस का। धीरे धीरे जब सेल पुराना हो रहा होता है तो सेल के पुराने होते होते क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल इज 0.5 ओम्स 1 ओम्स, बहुत हाई वैल्यू नहीं होती है, कम वैल्यू होती है 0.2 ओम्स 0.3 0.5, जितना कम रहे इंटरनल रेजिस्टेंस उतना अच्छा है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, एट मैक्स अगर आप देखोगे किसी क्वेश्चन में तो 5 ओम के आसपास का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो सकता है ना, उतना भी बहुत मुश्किल से ही पहुंचता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी प्राइमरी सेल का कम होता है। इसीलिए नॉर्मली हम क्वेश्चंस में इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया करते थे। आज के पहले या इस चैप्टर के पहले जब भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, क्लास 10th में पढ़ी है, कभी इंटरनल रेजिस्टेंस का कांसेप्ट ही नहीं पढ़ा था। एक सेल है इतने वोल्टेज की और कहानी खत्म। अब आप यहां इस चैप्टर में पढ़ रहे हो कि नहीं, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस को भी आपको जो है काउंट करना है सर्किट में, वो भी जोड़ा जाएगा ठीक है, क्योंकि वैसे वो कंपैरेटिवली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता था है ना। अब तो आप स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसको भी काउंट करोगे। अब तो भैया कौन से फैक्टर्स पे कैसे बढ़ रहा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक तो है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो सकता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आप इलेक्ट्रोलाइट को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बनाओगे, पानी कम करोगे है ना, NH4Cl बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि डाइल्यूटेड सेल, डाइल्यूटेड इलेक्ट्रोलाइट के सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। और हैवी अमाउंट में अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट बना दी, डाल दी, अलग चम्मच भर के डाल दो, ज्यादा ईएमएफ मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक छोटी सी टीस्पून, मतलब इतना छोटा सा, वो आपने देखा होगा लैब में चम्मच रखी होती है, उससे कहते हैं बेटा 2 चम्मच डाल दो, इतने मिलीग्राम डाल दो, मिलीग्राम लिखा होता है ना आगे ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो एडिशन होती है काफी कम मात्रा में करी जाती है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, देखो बेसिकली क्या है यार, इन दोनों के बीच में आयंस की एक्सचेंज हो रही है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आयंस की एक्सचेंज हो रही है, चार्जेस की एक्सचेंज हो रही है। इनके चार्ज अगर इजीली एक्सचेंज हो जाएं, है ना, बड़े आसानी से यहां से चार्ज यहां आ जाए तो हम कहेंगे इसको कम रेजिस्टेंस मिला है ना, पर अगर वो आसानी से ना पाए तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिला। अगर मैं इनको दूर कर दूं तो जाहिर सी बात है कि वो चार्जेस आसानी से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, मुश्किल होगी एक्सचेंज होने में। तो इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, कॉमन सेंस होगी ये बात तो है ना, कि अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, इसका मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू डी बेटा, वेयर व्हाट इज डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ठीक है। इसका हर एक पॉइंट कैन बिकम वन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच पॉइंट इज वीवीआईपी पॉइंट, याद रखना है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो पॉइंट्स और हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया, टू द कॉमन एरिया ऑफ द इमर्स्ड इलेक्ट्रोड्स। सो बेसिकली अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स्ड हैं है ना,
इसका सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो इससे एक्सचेंज होने वाले आयंस वो भी ज्यादा होंगे। आयंस को निकल के बाहर निकलने में और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकने में आसानी हो जाएगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो जो इसका कॉमन एरिया है, क्या बेटा, यहां से चार्ज निकलेगा, दूसरे में जाके चिपकेगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, इसमें आसानी तब होगी जब इनका कॉमन एरिया लार्ज है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस केस में कम हो जाएगा अगर कॉमन एरिया, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ एरिया है, वो ज्यादा हो तो। ठीक है, और एरिया मतलब सरफेस एरिया इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये बेहद खास बात है। नॉर्मली अगर मैं कहूं कि ये कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर का मैंने टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, ठंडी है ये वायर, तो आप कहोगे कि इसका रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि ये ठंडी है, तो कम हो गया। यही पढ़ते हो नॉर्मली, नॉर्मली क्या है ये कंडक्टिंग वायर। तो कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर थोड़ा घटा दो, कम कर दो, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये पढ़ा था अपन ने। अब इस कॉन्सेप्ट को सुनो, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर घटा दें, यानी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर घटा दें या उसको ठंडा कर दें, इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दें बेटा, ठंडा कर दें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों बेटा? अगेन याद रखो कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब चार्जेस का एक्सचेंज होगा, है ना, तब स्मूदली इंटरनली करंट बह पाएगा। पर अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट को ठंडा कर दिया तो आयंस की काइनेटिक मोशन तो कम हो गई, कैसे होगा एक्सचेंज, मुश्किल हो रहा है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा एक दूसरे से रिवर्स चल रहे हैं। ऐसा कंडक्टिंग वायर में नहीं है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर में टेम्परेचर अपन कम कर देंगे तो जो लैटिस के, जो मेटल के लैटिस के आयंस हुए, वो शांत हो जाएंगे, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी कम हो जाएगी, और उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी अगर कम हो गई तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक इजी पैसेज मिल जाएगा फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। इसीलिए यहां पे टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है और यहां उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये रहे चार पांच पॉइंट जो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जरूरी है याद रखना। पहला कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, तो कम NH4Cl डालो, नमक कम डालो उसमें। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स को पास पास रखो तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इमर्स्ड इलेक्ट्रोड। धीरे धीरे क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है वो खिया जाती है, क्योंकि वो घुल रही है ना, तो वो जब वो खियाने लगती है, कॉमन एरिया कम हो जाता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो सेल पुराना होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोड्स पुराने होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को ठंडा नहीं करना है, वैसे तो रूम टेम्परेचर पर यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा गर्म भी मत कर देना, कहो कि आपने उबाल दिया, चलो उबाल के, ऐसा भी मत कर देना। रूम टेम्परेचर पर सेल जो है प्रिपेयर किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में अपन एक तो वो प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे जो अपन ने कर लिया, आखिरी जो पार्ट है जिससे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर अ सेल, जिसमें मेजर तीन आपके कर्व्स आपको याद रखने हैं, E वर्सेस R, V वर्सेस R, R यहां पे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड V वर्सेस I। ये कर्व बनाने के पहले मैं एक बार फिर से आपको जो इक्वेशंस अपन ने पढ़ी थी वो मैं आपको बेटा रिवाइज करा दूं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया अपना सेल, ई इसकी ईएमएफ, आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके साथ अपन ने मान लो कि कोई रेजिस्टर आर कनेक्ट किया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, बोले तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगेन आई को आप कैसे लिखोगे, ई अपॉन आर प्लस ये छोटा वाला आर, यहां से आपको क्या मिलेगा, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर बराबर ई, यहां से आपको क्या मिलेगा, वी प्लस आई छोटा वाला आर बराबर ई,
यहां से आपको क्या मिलेगा, v बराबर e माइनस आई छोटा वाला r, ठीक है। और भी इक्वेशंस आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से आपको मिल जाएगा छोटा वाला r बराबर e माइनस v अपॉन आई। और क्या लिख सकते हो इसको, e माइनस v अपॉन v बाय r, करेक्ट है। ये जो v है इसके अक्रॉस, इसको आप i इंटू आर लिख सकते हो यहां पे। और कैसे लिख सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर e बाय v माइनस v बाय v इंटू कैपिटल R। तो और कैसे इसको लिखा जा सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर e बाय v माइनस वन इंटू कैपिटल R। तो फिर से हम देख लें कौन कौन सी इक्वेशंस जो है अपने पास इस केस में इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर वन, i बराबर e अपॉन कैपिटल R प्लस छोटा R। इक्वेशन नंबर टू, v बराबर e माइनस आई इंटू छोटा R। इक्वेशन नंबर थ्री, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर e माइनस v बाय आई। इक्वेशन नंबर फोर, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर e बाय v माइनस वन इंटू कैपिटल R। ये कुछ आपको चार इक्वेशंस, बेसिक इक्वेशंस है, यहां से आप एक और पांचवी निकाल सकते हो, e बराबर v प्लस आई आर, ठीक है। तो ये कुछ पांच इक्वेशंस जो है बेटा, ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, यहां से आप इस ग्राफ की स्टडी भी कर सकते हो। और ये जो भी इक्वेशंस हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, ठीक है। अगर चार्जिंग ऑफ अ सेल हो जाता, मैं यहां पे आपको एक एडिशनल पॉइंट फिर से याद दिला दूं कि ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ये बन जाता है v बराबर e प्लस आई आर। अगर हम बात करें चार्जिंग ऑफ अ सेल या बैटरी की, ठीक है। तो ये तो आपका एक क्विक रीकैप था, भूल गए हो तो आपको याद आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं ग्राफ की। सबसे पहले हम बात करेंगे v वर्सेस i ग्राफ की बेटा, ठीक है। v वर्सेस i ग्राफ की, तो देखते हैं v और i की इक्वेशन कहां लिखी अपन ने, ये वाली इक्वेशन फिर से, e माइनस आई आर, ठीक है। e माइनस आई आर ये है बेटा v, ठीक। अब एक काम करो, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर याद है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये होती है एम एक्स प्लस सी। अब यहां पे m के आगे ये माइनस साइन आ रहा है। x पे क्या लिया है, देखो ध्यान से, x और ये y, तो y पे v है और x पे बेटा अपना i है। x पे क्या है, i। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो x पे i दिख रहा है, ठीक है। माइनस एम होने का मतलब, यहां पे प्लस सी का मतलब कि यहां पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनेगा, और माइनस एम होने का मतलब कि ये जो एंगल है ये बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से, सिंपल। तो बेसिकली वी और आई का फॉर चार्जिंग ऑफ अ सेल के लिए अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, स्लोप मस्ट बी नेगेटिव। यहां पे ये जो नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और ये जो यहां से यहां तक की लेंथ है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, क्लियर हो गया। तो ये ग्राफ समझना मुश्किल नहीं था, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से आप डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आते हैं अपन ई और आर। देखो भाई, किसी भी सेल की एक गिवन ईएमएफ की वैल्यू होती है, किसी भी सेल की ईएमएफ की वैल्यू गिवन होती है,
अब आप उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम लगाओ ज्यादा लगाओ तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आप क्या करो बेटा, यहां देख लो, इस R को बढ़ाओगे या घटाओगे या कुछ भी करोगे तो फर्क किस पे पड़ेगा, चेंज किस पे होगा, V पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे। सेल की EMF इंडिपेंडेंट है इस कैपिटल R से। मैंने कहा कि ये 1.5 वोल्ट EMF की सेल है तो वो 1.5 वोल्ट जो छपा है वही रहेगा, ठीक है। आपने रेजिस्टेंस क्या कनेक्ट किया है उसके हिसाब से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर सकती है। इसका मतलब कि ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वी और आर की। मैंने आपको बताया कि यस वी जो है बेटा वो आर पे डिपेंड करता है, है ना। अब अगर आर वेरी हाई है, से बढ़ता जा रहा है, वेरी हाई है, तो यार V ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से मतलब R बढ़ा रहे हो तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। इट विल अटेन सम कांस्टेंट वैल्यू, बट इनिशियली व्हेन यू इंक्रीज R व्हाट हैपेंस बेटा, V इंक्रीजेस, ठीक है। क्या होता है, V इंक्रीज होता है, तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन से कि V बिकम्स कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ R। So, ये तीन रिलेशन जो थे ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन रिलेशंस को, ठीक है, इन इक्वेशन से समझना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो डू प्रैक्टिस, आज जो भी पढ़ाया गया है हर एक चीज के पहले तो कॉपी खोल के डेट वाइज नोट्स बना लेना, और दूसरा हर एक चीज ग्राफ इक्वेशंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे, सेल और रेजिस्टर्स के कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, तो आने वाले लेक्चर्स भी आप देखते जाना, है ना। और बहुत कम टाइम में, बहुत जल्दी, बहुत कुछ कम लेक्चर्स में जो पूरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा ओवर हो जाएगा, फिर आपको ये प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई एम विशिंग, होपिंग कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।